से जुड़ी हुई है और बड़ी खबर के साथ साथ तस्वीर बेहद खास है। तस्वीर खास है, तस्वीर दिलचस्प है, क्योंकि गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की यह तस्वीर है। सीएम विजय रूपाणी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और ये नॉमिनेशन तब फाइल किया गया है जबकि बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हुई है। और आप ये देखिए कि राजकोट वेस्ट सीट से जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, उससे पहले वो स्कूटी से पहुंचे, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली उनके साथ में मौजूद हैं। विजय रूपाणी ने राजकोट पश्चिम से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और राजकोट वेस्ट सीट से दाखिल इस नॉमिनेशन के बाद ये समझा जा रहा है कि न सिर्फ विजय रूपाणी के लिए यह साख की लड़ाई है बल्कि बीजेपी के लिए भी साख की लड़ाई है, क्योंकि 22 साल के बाद सत्ता में वापसी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस ने लगाया हुआ है। वहां पर हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश, इन तीनों की सियासत के बीच में कांग्रेस से सीधे लोहा लेते हुए विजय रूपाणी। पहले विजय रूपाणी आज मंदिर पहुंचे और आशीर्वाद लिया, इसके बाद वहां से नामांकन दाखिल करने निकले तो स्कूटी पर सवार होकर निकले। दरअसल मार्केट में काफी भीड़ थी जिसकी वजह से वहां से निकलने के लिए विजय रूपाणी ने स्कूटी का सहारा लिया। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं जब मंदिर में पूजा की विजय रूपाणी ने, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब स्कूटी से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए विजय रूपाणी पहुंचे। हालांकि उन्होंने अपना हाथ उठा करके लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया।